हमें पता है, अभी कुछ ही महीनों पहले हम भयंकर लॉकडाउन में फंस गए थे, जिसकी वजह से हम सभी के हाल पूरी तरह से बेहाल हो गए थे। ऐसे में अगर हम आपसे ये कहें कि आपको 41 सालों तक अकेले जंगल में रहना होगा, तब आपका क्या हाल होगा? हमें पता है आप में से कई सारे लोग ये बात सुनकर ही बेहोश हो जाएंगे, पर दोस्तों चिंता मत कीजिए, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ सिर फिरे लोग जरूर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी कुछ अलग ही अतरंगी अंदाज में बिताई है, जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो अगर आप सोच में पड़ गए हैं कि भला कोई कैसे इस तरह रह सकता है, विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में जब कभी भी जंगल वगैरह में रहने की बात आती है, तो अक्सर हम यही इमेजिन करते हैं कि कोई लड़का टार्जन की तरह जंगलों में अकेला रहता होगा, क्योंकि लड़कियों के लिए ऐसी चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। पर चाइना की एक लड़की ने इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। जी हाँ, 2013 में जियांजी नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ योंगनान माउंटेन्स में घूमने के लिए गई थी, ताकि प्रकृति की खूबसूरती का मजा ले सके। लेकिन पहाड़ी जंगलों में पहुंचने के बाद इस लड़की को एहसास हुआ कि इसे अब वापस शहर में नहीं जाना है, और तब से लेकर अब तक ये अकेले ही यहाँ पर लकड़ी के बनाए हुए एक घर में रह रही है। सोलर पैनल के जरिए अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा का भी उपयोग करती है, और इनका कहना है कि इन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होता, क्योंकि यहाँ आने वाले टूरिस्ट इनको बाहर की दुनिया से भी जोड़ कर रखते हैं। प्लस एक फोटोग्राफर होने के नाते नेचर के साथ रहना इन्हें शुरू से ही पसंद था, और अब ये इस तरह की अनोखी जिंदगी जी रही हैं, जो इनके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि न ही इन्हें पैसे कमाने की टेंशन होती है और न ही घर चलाने की। यहाँ ये आराम से बैठकर अपनी उगाई हुई फल और सब्जियां खाती हैं, और बड़े मजे से दुनिया भर की किताबें पढ़कर अपने आप को ही कंपनी देती हैं। अगर आप कभी किसी घने जंगल में गए हैं, तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा ही कि कुछ समय बाद आपको अजीब सा महसूस होने लगता है। ऐसे में कोई शख्स अपनी जिंदगी के 41 साल इन घने जंगलों में बिता दे, तो आप समझ जाइए कि उसकी जिंदगी किस तरह से होगी। असल में दोस्तों, हो वेन थान वियतनाम के एक सोल्जर थे, लेकिन जंग के दौरान बॉम्ब गिरने की वजह से इनका घर तबाह हो गया, और इनकी वाइफ के साथ साथ इनके दो बच्चे भी मारे गए। लेकिन इनका एक साल का बच्चा बच गया, जिसे लेकर ये जंगल में छुप गए और जंगल में ही रहने लगे। जंगल में इन दोनों बाप बेटों का मन इतना ज्यादा लग गया कि ये हमेशा के लिए यहीं पर बस गए। हालांकि हो वैन थान उम्र के साथ काफी बूढ़े हो गए थे, इसलिए इन्होंने जल्द ही जंगल से जाने का फैसला कर लिया। लेकिन इनके बेटे अपने पिता के जंगल से जाने के बावजूद लंबे समय तक जंगल में ही अकेले रहते थे, क्योंकि इन्हें जंगल में मौजूद चीजें बहुत पसंद थी। जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरना इनके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। इसी वजह से इन्होंने पूरे 41 साल जंगल में बिताए, और जब ये 42 साल के हुए तो इन्होंने भी अपने पिता के साथ शहरी इलाकों में जाने का फैसला किया। पर सबसे हैरान करने वाली चीज तो ये है कि बचपन से ही जंगल में रहने के बावजूद ये दोनों बाप बेटे मॉडर्न जमाने में ऐसे ढल गए, मानो कभी इस तरह की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया से अलग ही न हुए हों। दोस्तों, अगर आप वॉशिंगटन के रेन फॉरेस्ट में हाइकिंग करने के लिए जाते हैं, तो आपको एक लंबी दाढ़ी वाला इंसान मिल जाएगा। डरिए मत, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि ये तो आपको जंगल में एडवेंचर करने में मदद करेंगे। जी हाँ, क्योंकि ये खुद कई सालों से जंगल में नोमैड की तरह जिंदगी बिता रहे हैं, इसीलिए मिक नाम के इस शख्स को बेयरफुटेड नोमैड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इनका ये नाम पड़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये वॉशिंगटन के रेन फॉरेस्ट में बिना जूते चप्पल के नंगे पांव अपनी जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि इन्हें बचपन से ही प्राकृतिक चीजों से प्यार है। इनका कहना है कि नंगे पांव जंगल में घूमने से ये हमेशा प्रकृति से जुड़े रहेंगे। वैसे ये केवल बंजारों की तरह ही जिंदगी नहीं बिताते, बल्कि इन्होंने फॉरेस्ट फिटनेस प्रोग्राम भी शुरू किया है, जहां ये जंगल में हाइकिंग करने आए लोगों को जंगल में मौजूद चीजों की मदद से फिट और मस्कुलर रहने की टिप्स भी देते हैं, जो कि वाकई काफी यूनिक आइडिया है। अब दोस्तों, आप जरा इस शख्स के बारे में भी सुन लीजिए, जिसने अपने आप को एक अलग ही तरह की दुनिया में आइसोलेट करके रखा था। मोरो मोरांडी नाम के इस शख्स की कहानी किसी भी एडवेंचर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है, क्योंकि एक दिन जब एक इटालियन आइलैंड में इनकी नाव खराब हो गई, तो इन्हें पता चला कि वहां पर आइलैंड का केयर टेकर अपनी जॉब छोड़कर जाना चाहता है।
इस मौके का फायदा उठाते हुए इन्होंने तुरंत जॉब को अपने नाम कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए इस आइलैंड के अकेले रेजिडेंट बन गए, क्योंकि इन्हें ये आइलैंड पहले से ही पसंद था। यहाँ के बीच पर गुलाबी रंग की रेत देखने को मिलती है, जो इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। अब जल्दी कोई टूरिस्ट तो इस आइलैंड पर आता नहीं है, इसीलिए मोरांडी इस जगह की तस्वीरें खींचकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं और अकेले यहाँ पर रहने का मजा उठाते हैं। हालांकि इनसे एक इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था कि क्या आप वापस नॉर्मल दुनिया में जाना चाहेंगे, तो इन्होंने बोला, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये यहाँ पर बहुत खुश है। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने फायर लुकआउट जॉब के बारे में सुना है? क्योंकि आज के समय में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से फॉरेस्ट फायर का पता लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इस काम को सही ढंग से करने के लिए कई जगहों पर लोगों को हायर किया जाता है, ताकि वो जंगल में लगने वाली आग पर निगरानी रखें। और ठीक यही काम लेइफ होजन नाम के ये शख्स भी करते हैं, जो मोंटाना में मौजूद फ्लैटहेड नेशनल फॉरेस्ट में 14x14 की एक झोपड़ी में अकेले रहते हैं और जंगल पर अपनी नजर बनाए रखते हैं, ताकि यहाँ हो रही गतिविधियों की इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी तक पहुँचा सकें। दोस्तों, ये काम अधिकतर गर्मियों में होता है, इसलिए ये 20 सालों से यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं। और अब तो इनका ये भी कहना है कि इन्हें बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता कि ये अकेले हैं। अपने घर से दूर इस छोटे से घर में गर्मियों के समय इन्हें बहुत अच्छा लगता है और रेडियो वगैरह होने की वजह से इनका टाइम पास भी हो जाता है। दोस्तों, जब कभी भी हम चेर्नोबिल शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ग्लूमी, डिसोलेट एंड अटरली डेजर्टेड प्लेस का ख्याल आता है। पर दोस्तों, दिमागी घोड़े दौड़ाने से पहले जरा थम जाइए, क्योंकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। 100 से भी ज्यादा लोग इस तरह के इलाके में रह रहे हैं। असल में ये एक छोटी सी कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया से बहुत अलग है, जहां ये कुछ लोग इस तरह की जगह पर रहकर काफी अलग जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह की रेडिएशन वाली जगह पर कोई भला कैसे रह सकता है, क्योंकि ये जगह तो सुरक्षित ही नहीं है। पर हम आपको बता दें कि जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, ये अपनी मर्जी से रह रहे हैं। जब यहाँ पर डिजास्टर हुआ था तो करीब 1,00,000 लोगों को यहाँ से हटाया गया था, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने वापस अपनी जगह पर जाने का फैसला किया और अब ये लोग पूरी दुनिया से अलग यहाँ पर नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जीने की पूरी कोशिश करते हैं। वो बात अलग है कि रेडिएशन का डर इन्हें भी लगा रहता है, पर वैज्ञानिकों के अनुसार समय के साथ रेडिएशन का इफेक्ट बहुत ही माइनर हो गया है, इसलिए उसका लोगों पर असर करने की संभावना बहुत कम है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको दुनिया से अलग जीने वाले इन लोगों की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारा चैनल अमेजिंग फैक्ट्स देखते रहिए।